नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज और मैं हूं आपके साथ नियति। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप मैच की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यह मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क के आइजनहोवर पार्क में बने नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हाल ही में आतंकी संगठन ISIS खोरासन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने हमलावरों से लोन वुल्फ अटैक करने को कहा है। लोन वुल्फ अटैक का मतलब है कि हमला एक अकेला हमलावर करता है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचल ने कहा है कि वर्ल्ड कप को लेकर कोई गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट से सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करने को कहा है। प्रशासन लगातार हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। ISIS खुरासान, जिसे ISIS के भी कहा जाता है, सबसे पहले 2014 में पूर्वी अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ था। इसका नाम उत्तर पूर्वी ईरान, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान के क्षेत्र के नाम से रखा गया है। इस संगठन ने कई बड़े हमले किए हैं, जिनमें से एक मार्च 2022 में रूस की राजधानी मॉस्को में हुआ था। 2009 में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम पर लाहौर में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में कई खिलाड़ी घायल हुए थे। इस घटना ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इसी ग्रुप में आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका की टीमें भी हैं। भारत और पाकिस्तान अपने सभी मैच अमेरिका में ही खेलेंगे। भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ, दूसरा 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ, तीसरा 12 जून को अमेरिका के खिलाफ और चौथा 15 जून को कनाडा के खिलाफ होगा। भारत वर्ल्ड कप में शुरुआती 3 ग्रुप स्टेज मैच न्यूयॉर्क में खेलेगा और 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच भी यही खेला जाएगा। भारतीय टीम मंगलवार को अमेरिका पहुंच चुकी है और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अमेरिका को पहली बार किसी ICC टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। 2028 के ओलंपिक गेम्स भी अमेरिका में ही होंगे, जिसमें क्रिकेट भी शामिल किया गया है। इस इवेंट को देखते हुए ICC ने अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप कराने को प्राथमिकता दी है। फिलहाल तो हमारी यही कामना है कि यह टूर्नामेंट शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हो। आप जुड़े रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, हम आपको हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे और आपके लिए ताज़ा खबरें और ऐसी विशेष रिपोर्ट से रूबरू करवाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।